अब वीडियो अगर आपने ओपन कर ही लिया तो सुनो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आगे भी आपको WWE से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने को मिलते रहे जिन पर आपने क्लिक किया है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। तो जॉन सीना बन सकते हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन, जॉन सीना बन सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियन, जॉन सीना बन सकते हैं WWE चैंपियन एट रेसलमेनिया 36। मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो चीज़ें रियलिटी बन सकती हैं रेसलमेनिया के अंदर, अब ये चीज़ें सारी जॉन सीना के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि जॉन सीना को लेकर एक मेगा अपडेट फाइनली आ चुकी है सामने, और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उसी मेगा अपडेट के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, ये वो अपडेट नहीं है जो कि आपको बाकी चैनल पर सुनने के लिए मिल रही है कि भाई जॉन सीना वर्सेस फिएंड या फिर कहूँ जॉन सीना गोल्डबा के बीच WWE कोई ना कोई मैच दिखा सकती है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो अपडेट है ये उससे भी बड़ी है, तो आप सोच सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। लेकिन साथ ही साथ में बात करेंगे रोंडा रोजी की WWE रिटर्न के बारे में, जो कि रिसेंटली कंफर्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसके अलावा बात करेंगे अंडरटेकर के एक बहुत ही बड़े मैच के बारे में, जो कि कैंसिल कर दिया गया सुपर शोडाउन इवेंट के लिए। कल के रोमन रेंस स्मैकडाउन लाइव में एक मिस्ट्री पार्टनर के बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहूं आज की जो वीडियो काफी कमाल की इंटरेस्टिंग होगी। सो Without wasting any time, let's begin this video. वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी रिटर्न के बारे में, जो कि रेसलमेनिया के अंदर हो सकती है, और वो अपडेट जुड़ी है साशा बैंक्स से। तो आपको बता दूं, रिसेंटली अपडेट्स के हिसाब से साशा बैंक्स को फाइनली क्लियर कर दिया गया कि वो रेसलमेनिया के शो में हमें रेसल करते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी एंड खुशखबरी वाली अपडेट है। और अपडेट्स के हिसाब से हमें साशा बैंक्स एक चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं बेली के खिलाफ, अगर वो सुपर शोडाउन इवेंट के बाद रिटर्न कर लेती, यानी कि एलिमिनेशन चेंबर में अगर वो टाइटल अपॉर्चुनिटी जीत लेती तो बेली वर्सेज साशा बैंक्स के बीच, यानी फ्रेंड वर्सेज फ्रेंड के बीच हमें एक तगड़ा मैच रेसलमेनिया के तगड़े शो में दिखाई देने वाले। इस मैच के बारे में आपका क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट है इस बार वो जुड़ी है द फीनॉम अंडरटेकर के बारे में, उनके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच के बारे में, जो कि रिसेंटली WWE की तरफ से कैंसिल करवा दिया गया। आपको बता दूं, सुपर शोडाउन इवेंट में ऑलरेडी WWE बात प्लान कर रही थी कि हमें अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग के बीच मैच दिखाई देगा। लेकिन आपको बता दूं, रिसेंटली अपडेट्स के हिसाब से अब WWE ने उस मैच को कर दिया कैंसिल। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टिंग है वो पूरी तरीके से फिट नहीं है कि वो रेसल कर सके इतनी जल्दी, क्योंकि सुपर शोडाउन इवेंट इसी 27 तारीख को होने वाला है और काफ़ी कम ही दिन बचे हैं। लेकिन आपको बता दूं, WWE ने लेकिन इस मैच को पोस्टपोन कर दिया है रेसलमेनिया के लिए, और तब तक ये दोनों सुपरस्टार हमें फिट होते हुए नजर आएंगे। और अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमें अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग के बीच एक काफ़ी कमाल का मैच रेसलमेनिया के शो में दिखाई दे सकता है। और हम ये बात जानते हैं कि भाई अगर एक मैच सुपर शोडाउन इवेंट में होता है और अगर एक मैच रेसलमेनिया के अंदर होता है, दोनों में कितना ज़मीन और आसमान का फर्क है, चाहे वो सेम सुपरस्टार के खिलाफ हो। और आपको बता दूं, अपडेट के हिसाब से हमें अंडरटेकर जरूर रेसल करते हुए नजर आ सकते हैं रेसलमेनिया के तगड़े शो में। इस अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अब जिस बार की हमारी अगली अपडेट है वो जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में, उनके मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर के बारे में, जो कि हो सकता है उनके कल के स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड के लिए। आपको बता दूं, रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर रोमन रेंस जॉन मॉरिसन एंड द मिस के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, और स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड के लिए जो कि वैनकूवर के अंदर होने वाला है, वहां पर बात कंफर्म कर दी जाती है कि रोमन रेंस एंड उनका मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर हमें फेस करता हुआ नजर आने वाला है मिस एंड जॉन मॉरिसन का। और आपको बता दूं, अभी फिलहाल रोमन रेंस के साथ कोई भी टीममेट नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो द उसोस हैं वो कल के स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में प्रेजेंट नहीं रहने वाले हैं, उनके कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। और आपको बता दूं, रिसेंटली अपडेट्स के हिसाब से हमें कल के स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में एक बहुत ही बड़ी रिटर्न दिखाई दे सकती है, और वो रिटर्न हो सकती है जेफ हार्डी की, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेफ हार्डी को रिसेंटली अपडेट्स के हिसाब से मेडिकली क्लियर तो कर दिया गया था कि अब वो रेसल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर थे। लेकिन अब ऐसी अपडेट्स आ रहे हैं कि फाइनली वो आ चुके हैं परफॉर्मेंस सेंटर से बाहर, और काफ़ी जल्दी वो हमें रेसल करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखने में कल काफी मजा आने वाला है अगर जेफ हार्डी रोमन रेंस के साथ एक टैग टीम मैच में हमें कल अगर जेफ हार्डी रेसल करते हुए नजर। जो हमारी अगली अपडेट है वो जुड़ी है राउडी रोंडा राउजी या फिर कौन द बैडेस्ट वुमन ऑन द प्लेनेट के बारे में, एंड उनके रिटर्न के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। तो आपको बता दूं, रिसेंटली अपडेट के हिसाब से जो रेसलमेनिया 37 होने वाला है, जो कि हॉलीवुड के अंदर होगा अगले साल, स्टेफनी मैकमैन के हिसाब से रोंडा राउजी काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि वो एक बार फिर से WWE के अंदर रिटर्न करे, और नेक्स्ट ईयर हमें रेसलमेनिया में रोंडा राउजी पॉसिबली रेसल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल रेसलमेनिया को काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन स्टेफनी मैकमैन के हिसाब से हमें रोंडा राउजी वहां पर जरूर कम्पीट करते हुए नजर आने वाली है। अगर आपके हिसाब से रेसलमेनिया 37 में रोंडा राउजी हमें मैच में एक रेसल करते हुए नजर आती है, आप किसके खिलाफ रोंडा राउजी का वो मैच देखना चाहोगे नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अब जो हमारी इस बार की अगली एंड फाइनल अपडेट है वो जुड़ी है नन अदर देन सी नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना के बारे में, एंड जॉन सीना करने वाले रेसलमेनिया 36 के अंदर। ये सभी हम बात तो जानते हैं, लेकिन जॉन सीना को लेकर एक जो सबसे बड़ी मेगा अपडेट
अपडेट आई है वो ये कि WWE ने जॉन सेना को उनका पूरा क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया, यानी कि अब जॉन सेना की मर्जी से उनकी स्टोरी लाइन चलेंगी WWE के अंदर रेसलमेनिया तक। और ये काफ़ी बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि भाई अब जॉन सेना का मन करता है वो कौन से फ्यूड में एंटर होना चाहते हैं, वो चैंपियनशिप मैच में रेसल करना चाहते हैं, वो एक नॉन टाइटल मैच में रेसल करना चाहते हैं। अब WWE ने उन्हें क्रिएटिव कंट्रोल इसलिए भी दिया क्योंकि मेरे हिसाब से हो सकता है जॉन सेना के पास काफ़ी क्रिएटिव आइडिया हो उनके प्लान्स को लेकर जो कि है रेसलमेनिया को लेकर। इसलिए विंस मैकमैन ने बात छोड़ी है जॉन सेना के ऊपर कि भाई तुम जिससे रेसल करना चाहते हो तुम कर सकते हो WWE के सबसे बड़े शो के अंदर जो कि होने वाला है रेसलमेनिया 36। अब पॉसिबिलिटीज तो ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जॉन सेना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन सकते हैं, जॉन सेना को यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं, जॉन सेना में अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल की जो ट्रॉफी होती है उसके अंदर अचानक से एंटर होते हुए नजर आ सकते हैं। और जो जॉन सेना को लेकर एक सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि जॉन सेना हमें 17 टाइम चैंपियन बनते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। लेकिन गाइस जो वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो आपके क्या थॉट्स हैं आपके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश अपडेट्स के बारे में। एंड जॉन सेना को WWE दे दे पूरा क्रिएटिव कंट्रोल, साथ ही साथ कर सकते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।